जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लास पर, ग्लास में जब पानी होता है और ग्लास और पानी दोनों को ही आप क्या कर दो, फ्री फॉल में छोड़ दो, तो दोनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, तो कोई भी नॉर्मल जनरेट नहीं होता है। तो नॉर्मल ही जब जनरेट नहीं होगा तो बॉडी का कुछ भी वेट नहीं होता है और बॉडी वेटलेस की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, इस बात को साबित करने के लिए हमने क्या किया है कि अब साइड में हमने छेद नहीं किया, हमने क्या किया है कि ग्लास के बेस पर हमने क्या कर रखा है, छेद कर रखा है। अब जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे, हम सब जानते हैं क्या होगा, पहले पानी डालेंगे। देखो हम लोग फंटा लाए हैं बाबू, पर ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये चीज़ करके। देखिए जैसे ही हम पानी डालेंगे, बहुत लाजमी सा बात था कि पानी कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमने बेस पर होल कर रखा है। अगर हम इसको ऐसे छोड़ दें तो क्या ये दोनों, क्या पानी और ग्लास दोनों ही वेटलेस हो जाएगा? तब विजिबल रखने के लिए हम इसमें फंटा डालेंगे। क्या डालेंगे? लेकिन ये हम खुद नहीं करेंगे, ये हम एक बच्चे से करवाएंगे। तो बच्चा तैयार हो कुर्बानी देने के लिए अपना, आ जाओ, हो जाओ भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए बढ़िया से ध्यान से शूट की, ठीक है, ध्यान से छेद को बंद रखना, आराम से। बस, एक मिनट, ये फंटा हम लोग रख लिए अपने लिए, ये अगर बच गया तो तू पी लेना, ठीक है। अब सुन, फंटा ना बाबू, थोड़ा सा देख, फंटा गिर रहा है, अबे पकड़। हाँ, पर जैसे ही ये ग्लास में फंटा रख करके छोड़ेगा तो दोनों फंटा और ग्लास दोनों क्या हो जाएगा, वेटलेस हो जाएगा। तो वेटलेस जब हो जाएगा, जब वेट है ही नहीं, तो फिर तो पानी बाहर, मतलब ये जो फंटा है वो बाहर नहीं आना चाहिए,